नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मे सन्हा। स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार में। बिहार में नीतीश बाबू के सुशासन कुशासन में बदलते नजर आ रहे हैं। इस बात पर मुहर लगाता है शराबबंदी पर मौतों का मचता तांडव। बिहार में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है, लेकिन फिर भी शराब से मौतों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है मानो पुलिस डाल डाल है तो शराब माफिया पात पात। वहीं इस मामले में नेपाल और यूपी से सटे बिहार के जिले लगातार लिकर जोन बने हुए हैं। बिहार कैसे बन रहा है लिकर जोन, देखें इस रिपोर्ट में। बिहार में शराबबंदी को लेकर नीतीश बाबू के किए गए बड़े बड़े दावे धरातल पर धरे के धरे रह गए। सुशासन की बात करने वाले नीतीश बाबू की सरकार अब कुशासन में बदल चुकी है। लाख प्रयासों के बावजूद सच्चाई यह है कि बिहार के प्रशासन शराब माफियों को पकड़ने में नाकामयाब साबित हुई है। तभी तो आज बिहार में मौतों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं बिहार अब बन चुका है लिकर जोन। वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस ने छापेमारी में करोड़ों की 625 कार्टून अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि शराब की बड़ी खेप यूपी के मिर्जापुर से मुजफ्फरपुर के रास्ते दरभंगा ले जाई जा रही है। पुलिस ने जाल बिछाया और अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप को पकड़ लिया। इसके साथ ही पंजाब के दो तस्कर जसबीर सिंह और हनी सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। इस शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं अब बिहार में मौतों का तांडव देखने के बाद अगर यह कहा जाए कि बिहार में नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे जिले अब लिकर जोन बन गए हैं, तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रशासन जहरीली शराब पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही, लेकिन हालात अब भी जस के तस नजर आ रहे हैं। वहीं शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब के तांडव पर सियासत भी खूब हुई। सीएम नीतीश ने तेवर दिखाए तो वहीं विपक्षी भारतीय जनता पार्टी भी आक्रामक मोड में नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के यूपी और नेपाल की सीमा से सटे कुछ जिले लगातार जहरीली शराब के सेवन से मौत का तांडव देख रहे हैं। ताबड़तोड़ छापों के बावजूद शराबबंदी वाले बिहार में कुछ जिले लिकर जोन बन गए हैं। छपरा, सिवान और बेगूसराय में जहरीली शराब के सेवन से मौतों का मामला अभी अधिक पुराना भी नहीं हुआ था कि जहरीली शराब का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। मामला बिहार के सिवान जिले का है, जहां जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 7 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं अगर भूगोल के नजरिए से बिहार के लिकर जोन को समझा जाए तो बिहार के उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से सटे जिले लिकर हब बनते जा रहे हैं। छपरा में पिछले ही महीने जहरीली शराब के सेवन से 60 से अधिक लोगों की जान चली गई। आपको बता दें छपरा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सूबे की सीमा पर स्थित है। सिवान को भी सरयू नदी यूपी से अलग करती है। सूबे के गोपालगंज, कैमूर के साथ ही पश्चिम बंगाल और नेपाल से सटे सीमावर्ती जिले लिकर हब के रूप में सामने आ रहे हैं। इनमें सीतामढ़ी, अररिया जैसे जिले भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कैपिटल टीवी। बहरहाल अब सवाल उठता है कि क्या शराबबंदी की सरकार ने आम जनता को यूरिया और जानलेवा केमिकल का इस्तेमाल कर शराब बनाने, बेचने और पीने पर मजबूर कर दिया है, या फिर अब शराब माफियाओं को पकड़ना प्रशासन के हाथ से बाहर की बात हो चुकी है। इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें कैपिटल टीवी के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।